लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के एरोली में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनकर तैयार हो गया है। चीफ सिटी इंजीनियर संजय देसाई ने टीवी वन इंडिया को बताया कि 9 सालों से इसका निर्माण चल रहा था, जो अब 95% पूरा हो चुका है। फिलहाल सजावट का काम चल रहा है, जिसके पूरे होते ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। असल में आंबेडकर स्मारक एक ऐसी आइकॉनिक वास्तु है, जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करेगी। देखिए रिपोर्ट। नौ सालों से जिस आइकॉनिक स्मारक का नवी मुंबईकर इंतजार कर रहे थे, वह आंबेडकर स्मारक अब बनकर तैयार हो गया है। जी हाँ, तस्वीर में दिख रहा यह अरौली का वही बाबा साहब आंबेडकर स्मारक है, जिसके उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। असल में इसके शीघ्र निर्माण के लिए स्थानीय बीजेपी विधायक गणेश नाइक और पूर्व मेयर सुधाकर सोनाव ने लगातार मांग करते आ रहे थे। ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी यहाँ हाल में दौरा किया था। रिपाई कार्यकर्ताओं ने भी 26 नवंबर से पहले इसका लोकार्पण करने की मांग करते हुए आंदोलन किया था। हालांकि स्मारक का काम अब पूरा हो गया है। नवी मुंबई महानगर पालिका के मुख्य शहर अभियंता संजय देसाई ने आज बताया कि यह एक ऐसा आइकॉनिक वास्तु है, जहाँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन, बौद्ध धर्म अपनाने से लेकर उनके जीवन के दूसरे बहुमुखी पहलुओं को दिखाने का इंतजाम किया गया है। लाइब्रेरी के लिए 1500 किताबें मंगाई जा चुकी हैं। शहर अभियंता ने बताया कि स्मारक का काम 95% पूरा हो चुका है, सभागार भी तैयार हो चुका है और साज सजावट का काम कुछ बाकी है, जिसके पूरा होते ही मुख्यमंत्री के हाथों स्मारक का लोकार्पण कराने की तैयारी है। मार्बल का काम छोड़ के सब काम पूरा हो गया है। आज रात तक पूरा काम हो जाएगा, सिर्फ क्लीनिंग का काम बाकी है या बाकी जो छोटा मोटा फर्नीचर डालने का वो काम एक दो दिन में पूरा हो जाएगा। अभी नीचे का सम्मेलन कक्ष की पूरी तैयारी हो गई है, ग्राउंड फ्लोर पूरा तैयार हो गया है, ऊपर लाइब्रेरी तैयार हो गई, बुक्स हम लोग लेके आए, अराउंड 1500 तक बुक्स है, उसका कोडिंग करने के लिए काम चालू किया है, अंदर का दालन का काम पूरा हो गया है, होलोग्राफी का काम पूरा हो गया है और उसमें क्लीनिंग का मेजर जो क्लीनिंग है उसका काम चालू है और मार्बल का काम हम लोग 2 महीने के बाद हो जाएगा। फिलहाल हमारे तरफ से पूरी तैयार हो गया है, ये 2 या 3 दिन में पूरा हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जो विचार से है, उन्होंने जो काम किया है, उनका जो पूरा लाइफ में जो जन्म से लास्ट तक उन्होंने 4-5 स्टेज पे काम किया है, उसका सब लोगों को मालूम होना चाहिए, उनके चरित्र का आकलन होना चाहिए, इसलिए हम लोग उधर लाइब्रेरी बनाई है। सम्मेलन कक्ष में उनके विचारधारा के फंक्शंस, लेक्चर्स या बाकी कॉन्फ्रेंसिस होने के लिए हम लोग एक हॉल तैयार किया है, वो अराउंड 3,500 स्क्वायर फीट का है, उधर 180 लोग बैठने की उनकी सुविधा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर जितने जितने उनका जो 5 कैटेगरी में जन्म, एजुकेशन, उनके सामाजिक चळवळ और बाकी बौद्ध धर्म, इसके बारे में जितने भी लेखन है उसकी उपलब्धियाँ करके रखा है और एक कला दालन भी चालू हो रहा है। 1-2 दिन में पूरा काम पूरा करने के लिए तैयारी में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।